सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ इमरजेंसी दवाइयाँ जो आपको अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 0 से लेकर 5 साल तक के अंडर आता है तो आपको ये दवाइयाँ जो होगी बहुत ज़्यादा काम की आ सकती है, कभी भी आपको ये चीज़ें की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब हम बात करते हैं इनके सारे यूजेस के बारे में, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, क्या क्या इनका फ़ायदा होता है। सारी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो गाइस दोस्तों, कॉमनली जो होता है बच्चों में अधिकतर देखने को मिलता है जुकाम, पेट दर्द होना, गैस होना या पॉटी वगैरह हार्ड करना, या फिर फीवर हो जाता है, या फिर नाक जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो उन कंडीशनों में ये दवाइयाँ जो होती है बहुत ज़्यादा काम की देखने को मिल जाती है। पहली कंडीशन आती है जुकाम के लिए, तो जुकाम के लिए आप ले सकते हैं सिनरिस ड्रॉप। सिनरिस ड्रॉप दोस्तों सेंचुरी फार्मा की तरफ से आने वाला एक एथिकल ड्रॉप होता है। सारी की सारी दवाइयाँ एथिकल अंडर आती है, जिसमें आपको मिल जाता है पैरासिटामोल, फेनाफ्रिन एंड क्लोरामफेनामाइन। ये एक एंटी कोल्ड टैबलेट है, एंटी पैरेटिक टैबलेट है, यानी जुकाम, बुखार, खांसी तीनों में ये काम आपके लिए कर जाएगी। 0 से 2 साल तक के बच्चों को ड्रॉप के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए सिरप के रूप में भी मिल जाता है। अलग अलग डोज होती है अलग अलग दवाइयों की देखने को मिल जाती है, तो इसीलिए डोजेज के बारे में जहाँ से आप ये दवाइयाँ कलेक्ट करें उनके बारे में ज़रूर बताइएगा। सपोज़ आपका बच्चा 2 महीने का है, 3 महीने का है, 4 महीने का है, तो सबकी डोजेज जो होगी वो अलग अलग दी जाएगी। तो जुकाम बुखार के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बेस्ट टैबलेट आती है या बेस्ट सिरप आती है। दूसरा कंडीशन आ जाती है कि बच्चों को पेट में दर्द हो रहा है, कॉलिक पेन हो रहा है, तो उसमें आप बच्चों को क्या दे सकते हैं? उसमें आप दे सकते हैं कोलीमैक्स ड्रॉप, जो आता है डाइसाइक्लोमाइन एंड सिमिथिकॉइन, और साथ में कोलीकैट, यानी दोनों में से कोई भी आप एक ड्रॉप अपने घर में ज़रूर रखिएगा। दोनों का ही सेम यूज़ है। ये एंटी स्पास्मोटिक एंटी फ्लूटमिनेट होता है। इसमें क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है? बेसिकली इसमें अंग्रेजी दवाई है डाइसाइक्लोमाइन एंड सिमिथिकॉइन। इसमें जो होता है फेनिडिली ऑयल, फेनिल ऑयल जो होता है एक नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, साथ में इसमें सिमिथिकॉइन भी है, जो दोनों ही प्रकार से काम करता है। मतलब ये अगर गैस की वजह से दर्द हो रहा है तो ये गैस वगैरह को कम करने में, फ्लोटिंग को कम करने में, ग्रिपिंग पेन हो रहा है, साथ के साथ आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और इनके बारे में आपको डोजेस इस पे मेंशन सारी तरीके से हो सकती है। अगर आपके बच्चे को पेट दर्द हो रहा है, गैस हो रहा है, तो दोनों में से कोई भी आप एक ड्रॉप का यूज़ करवा सकते हो, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आपको दोनों में से किसी एक का मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है अगर बच्चे को एसिडिटी और गैस हो रही है तो उसमें क्या दे सकते हो, या फिर एसिडिटी की वजह से बच्चा उल्टी कर रहा है उसमें आपको क्या देना चाहिए। उसमें आ जाते हैं आपके डोमेफेनिडाइन एंड ओंडेसिट्रोन ड्रॉप, दोनों में से कोई भी आप एक ड्रॉप का यूज़ कर सकते हो। डोमेफेनिडाइन को बेसिकली इस कंडीशन में दिया जाता है जब बच्चा दूध पीते ही उल्टी कर दे रहा है, और ओंडेसिट्रोन नॉर्मली उल्टी में आप बच्चे को यूज़ करवा सकते हो। तो दोनों में से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आपको उल्टी या एसिड की वजह से उल्टी वगैरह होती है गैस के लिए, दोनों में से कोई भी आप एक यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर बच्चा पॉटी 4-5 दिन में बात कर रहा है, या 10 दिन बात कर रहा है, या हार्ड कर रहा है, उनके लिए, बच्चों के लिए या बेबी के लिए आप ये ले सकते हैं। ग्लिसरीन सपोजिट्री आती है, एल्सा सपोजिट्री, ये बच्चों के लिए आती है, जिसको आप गुदा मार्ग में इजीली लगवा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूरा यूजेज मेथड बता रखा है। 10 रुपये का एक आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से, ये देखिए आप, एक बट्टी मिल जाती है आपको, तो आप इजीली ले सकते हैं। ये एडल्ट के लिए भी अवेलेबल हो जाती है। तो बच्चे अगर 10 दिन में बाद पॉटी करते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है पेट साफ करने के लिए, ग्लिसरीन सपोजिट्री का यूज़ जो होता है चाइल्ड में या बेबी में किया जाता है। इसके बाद आ जाता है अगर बच्चे को बुखार हो रहा है तो उसमें ले सकते हैं आप T98 या कहीं तो पैरासीटामोल ड्रॉप। बेबी के लिए होता है, आपको ये सिरप के रूप में भी मिल जाता है। ये 100 mg का इसमें क्वांटिटी होता है, जो छोटे बच्चों के लिए या छोटे बेबी के लिए यूज़फुल होता है। एक साल तक ये सफिशेंट हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे का वेट ज़्यादा है तो उसको 120 mg, 250 mg और टैबलेट के रूप में भी यूज़ करवा सकते हो। बुखार के लिए T98 बेस्ट आपके लिए हो सकता है, या पैरासीटामोल आपके लिए हो सकता है। इसका आपको क्रोसिन, कालपोल जैसे कई और प्रकार की दवाइयाँ भी मिल जाती है। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है अगर बच्चे की नाक वाक बंद हो जाती है तो उसमें आपको देना चाहिए नेसिफियन नेजल ड्रॉप। ये 1 से 6 साल तक के बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन 0 से 1 साल तक के बेबी के लिए भी ये नेसिफियन ड्रॉप जो होती है वो आ जाती है, और एडल्ट के लिए भी आती है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं बच्चे की अगर नोज़ ब्लॉक हो गई है तो उसमें आप इसको सेफली यूज़ कर पाएंगे। तो गाइज़ ये थे कुछ दोस्तों आपको मिलने वाली 6 दवाइयाँ
या 7 दवाइयाँ आप समझ सकते हो जो आपके बच्चे के बहुत ज़्यादा काम की हो सकती है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ये इमरजेंसी के तौर पर ही आपको लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली आप बिना वजह चलाए जा रहे हो, क्योंकि बच्चों की डोज जो होते हैं बिल्कुल सेफली कैलकुलेट करके ही दिया जाता है। उम्मीद करूँगा आज के इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मैं दे पाया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।